क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ टूल्स हैं जो हमने समझना है, और वो टूल्स यहाँ पे अगर हम देख ले, दे हर्मिशियन एडजॉइंट आर कंजुगेट ऑफ अल्फा डैगर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पहले ये अल्फा है, इसका डैगर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्टार। कंसिडर कर ले कि ये जो डैगर है, डैगर का मतलब क्या है? डैगर का मतलब ये है कि कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, वो अगर मैं तो इसको एक दफा आपने कंजुगेट लेना है, और दूसरी दफा अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये दोनों ऑपरेशन जब आप कर लेंगे तो ये कहते हैं डैगर। एग्जाम्पल कंसिडर कर ले, अल्फा है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स में है, कोई भी मैट्रिक्स लिया जा सकता है, ए आयोटा बी सी एंड डी, और आपसे कोई पूछे कि इसका डैगर क्या है, इसके जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है या अल्फा डैगर है, इसका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि इसका हमने पहले कंजुगेट लेना है। इसका कंजुगेट अगर हम ले ले तो ये ए माइनस आयोटा बी सी डी, जहां पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वो इसकी वैल्यू हमने चेंज करना है, आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी दफा फिर आपने इसका रो एंड टू कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो अगर इधर देख ले, इसका अगर मैंने डैगर लेना है तो डैगर किस तरह ले लें? देखिए, एक दफा इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी सी डी, और फिर इसका रो इनटू कॉलम कन्वर्ट करें, ये रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सी है और ये डी है। तो इसको हम ये कहते हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें, दूसरी दफा ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो इनटू कॉलम कन्वर्ट कर लें। ये है मैथमेटिक में, एक मैथमेटिकल टूल्स है क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एनी ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर ए है, द हर्मिशियन एडजॉइंट इसको हमने किस तरह लिखना है, मैं भी कोई भी हम इस तरह स्टेट ले सकते हैं, कोई ए डैगर और ये फाई है, तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है तो इसको हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई ए एंड साई, और इसका अगर आप लोग कंजुगेट लें तो ये दोनों बराबर है। इसके और भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अगर हम देख ले, देखिए अगर ये हमारे पास एक किट है और ये डैगर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रा में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रा में है और यहाँ पे डैगर है तो ये कैट में कन्वर्ट किया जा सकता है।
दूसरी बात यह है कि अगर एक सेल्फ डैगर आपके पास ए डैगर है और इसका पावर डैगर ले ले तो ये बिल्कुल ए के बराबर हो जाएगी। इसको मैजिक्स फॉर्म में लेके ये आप लोग इसको देख सकते हैं। कोई आपके पास एक कोई भी एक रियल वैल्यू है या कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और वो एक ऑपरेटर के साथ है और यहाँ पे डैगर आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं ए स्टार एंड ए डैगर। फिर अगर कोई ए है और इसका पावर एन है और ये डैगर अप्लाई कर ले तो आप लोग इसको लिख सकते हैं किसी अंदाज में कि ए डैगर की पावर एन। तो ये प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप लोग कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका अगर डैगर है तो आप लोग इसको अलग अलग इस पे ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं, सी डैगर एंड डी डैगर। इसी तरीके से अगर कोई दो ऑपरेटर्स है और इसका इज अ होल डैगर ले ले बाय डेफिनेशन ये बाय रूल्स ये जो बी है इस पे डैगर लगेगा तो वो पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बी डैगर एंड ए डैगर कर सकते हैं, ये रूल्स के मुताबिक इस तरह है। अच्छा, और भी ए बी सी डी है और इस पे डैगर है तो आप लोग लिख सकते हैं डी डैगर सी डैगर और बी डैगर ए डैगर। तो ये आप उलट मतलब इसको रिवर्स करके डैगर अप्लाई कर सकते हैं। कोई इस तरह भी हो सकता है कि ए बी और कोई स्टेट पे अप्लाई हो रहा है और इसका अगर आपके पास होल डैगर है तो बाय डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं साई बी डैगर एंड ए डैगर। अच्छा, और भी इसमें प्रॉपर्टीज है। अगर कोई इनर आउटर प्रोडक्ट्स है फाई और साई का और इस पे अगर डैगर अप्लाई कर लें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये फाई इस साइड पे आ जाएगा और साइन इस साइड पे आ जाएगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको और भी देखते हैं इस चीज को, हर्मिशियन एडजॉइंट जो डैगर है और भी चीजें हैं इसको हम जो प्रॉपर्टीज है वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफ बी विच इज इक्वल टू ए प्लस ए डैगर। अगर कोई इस तरह आपके पास एक ऑपरेटर डिफाइंड है और अगर आपका आपसे कोई पूछे कि इसका बी डैगर क्या है तो बी डैगर फाइंड करने के लिए इधर भी डैगर फाइंड अप्लाई करना पड़ेगा इधर भी। तो यहाँ पे बी डैगर ए प्लस ए डैगर होल डैगर इधर ले लें, डैगर डैगर अप्लाई कर दें तो ये ए डैगर प्लस ए डैगर होल डैगर ये ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाता है कि बी डैगर विच इज इक्वल टू बी और इसको हम कहते हैं हर्मिशियन। इसको अगर हम एक और अंदाज में चेक कर ले, एफ बी विच इज इक्वल टू आयोटा ए प्लस ए डैगर और यहां से अगर हम बी डैगर फाइंड कर ले तो बी डैगर यहां से हमें मिलेगा माइनस आयोटा ए डैगर प्लस ए। अगर बोथ साइड पे अगर अप्लाई कर दे
तो यहां से बी डैगर विच इज इक्वल टू माइनस बी, इसको कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन में फर्क क्या है? देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में ये क्वांटम मैकेनिक्स के डिमांड है दैट एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज एसोसिएटेड विद अ रियल स्पेक्ट्रम एंड दस मस्ट बी हर्मिशियन। अगर कोई ऑब्जर्वेबल है और इसका एक अगर इस पे हम डैगर ले लें और उसका एक रियल स्पेक्ट्रम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हर्मिशियन है, और क्वांटम मैकेनिक्स में ये ज़रूरी है कि ये हर्मिशियन हमारे पास, अगर हर्मिशियन है तो एक स्पेक्ट्रम रियल स्पेक्ट्रम हमें मिल सकता है। अगर एक ऑब्जर्वेबल जो है फिजिकल ऑब्जर्वेबल वो रियल नहीं है, वो रियल वैल्यू हमें नहीं दे सकता, तो इसको हम हर्मिशियन नहीं कह सकते, वो नॉन हर्मिशियन होगा। देखिए फर्ज कर ले एक एनर्जी हम ले ले हैमिल्टोनियन एच, और वो अगर एच के बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज हर्मिशियन। एच डैगर इज इक्वल टू एच, ये हर्मिशियन है। लेकिन अगर एच डैगर इज नॉट इक्वल टू एच, कुछ ऑब्जर्वेबल है, कुछ हैमिल्टोनियन है, अगर इसका एच डैगर एच के बराबर नहीं आता तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नॉन हर्मिशियन है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन का। देखिए फर्ज कर ले एक हैमिल्टोनियन है जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस कोई भी वैल्यू अगर हम ले ले वी एक्स ले ले, और ये जो वी एक्स है ये रियल नंबर है, तो फिर अगर इसका हम डैगर ले ले तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस अगर इसका वी स्टार भी ले ले तो वो वी एक्स ही आ जाएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एच डैगर विच इज इक्वल टू एच और ये हैमिल्टोनियन जो है ये हर्मिशियन है, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो एक रियल वैल्यू है। लेकिन इसके बराक्स अगर मैं एच को इस अंदाज में लिख दूं कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस कंसिडर कर लें और यहाँ पे मैं ये कह दूं कि ये जो v ऑफ x है ये एक कम्प्लेक्स पोटेंशियल है, ये कम्प्लेक्स पोटेंशियल है, तो फिर अगर h डैगर इसका मैं ले लूं तो ये पी स्क्वायर जो मोमेंटम है ये तो एज एट इज लगेगा प्लस v ऑफ x इधर स्टार लगेगा। तो इन दो चीजों को अगर मैंने कंपेयर करना है तो फिर h डैगर विच इज नॉट इक्वल टू h ये बराबर नहीं है, इसी वजह से इसको कहते हैं नॉन हर्मिशियन। इसकी अगर रियल वैल्यू नहीं है, इसकी जो आइगन वैल्यू आ जाते हैं अगर किसी स्टेट पे इसको ऑपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे एक कम्प्लेक्स वैल्यू जो आइगन वैल्यू है वो आ जाता है, और फिर वो जो कम्प्लेक्स वैल्यू है ये एक फिज़िकल चीज़ नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिज़िक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वो एक रियल वैल्यू होने चाहिए। तो मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं हर्मिशियन एंड नॉन हर्मिशियन, बहुत सिंपल है। एच डैगर या बी डैगर विच इज इक्वल टू बी, बी डैगर इज नॉट इक्वल टू बी, अगर इस तरह कोई चीज़ें
कोई ऑब्जर्वेबल्स आपके पास आ जाते हैं तो इसको हम हर्मिशियन एंड नॉन हर्मिशियन कहते हैं। अच्छा, ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर रियल एच डैगर इज इक्वल टू एच, एच डैगर इज नॉट इक्वल टू एच, या कोई और चीज अगर आप लोग ले लें, तो एक हो गया हर्मिशियन, दूसरा हो गया नॉन हर्मिशियन। लेकिन अब एक क्वेश्चन इधर आ जाता है कि 1998 में एक साइंटिस्ट था बेंडर, उसने एक काम किया था, उसने एक नॉन हर्मिशियन हैमिल्टोनियन को कंसिडर किया था, और नॉन हर्मिशियन जो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, नॉन हर्मिशियन हैमिल्टोनियन है, और उसने देखा था कि इसकी रियल वैल्यू आ रही है, नॉन हर्मिशियन है लेकिन आइगन वैल्यू रियल है। तो यहां पे एक कंट्रडक्शन आ गया कि पहले तो हम ये बता रहे थे कि हर्मिशियन है तो इसकी रियल वैल्यू होगी, नॉन हर्मिशियन है तो इसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी और इसका रियल स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता। लेकिन बेंडर ये कहते हैं कि नहीं, अगर नॉन हर्मिशियन कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि नॉन हर्मिशियन है लेकिन इसकी जो स्पेक्ट्रम है वो रियली आ जाता है, तो इसको इसने एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज ड्यू टू द पैरिटी टाइम सिमेट्री। एक कंसेप्ट है पैरिटी टाइम सिमेट्री, और इस पैरिटी टाइम सिमेट्री से फिर कुछ सिस्टम्स के हैमिल्टोनियन उसके बज़ाहिर तो नॉन हर्मिशियन होते हैं लेकिन इसके जो स्पेक्ट्रम है वो रियल आ जाता है। तो मतलब मेरा ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि हर्मिशियन है नॉन हर्मिशियन है, इनके दरमियान एक और चीज़ है, और बज़ाहिर वो नॉन हर्मिशियन है लेकिन उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो रियल आ जाता है, और वो ड्यू टू पैरिटी टाइम सिमेट्रिक हैमिल्टोनियन। तो अब हमारे पास तीन किस्म के चीजें हैं, एक हर्मिशियन हो गया, नॉन हर्मिशियन हो गया, कुछ सिस्टम के हैमिल्टोनियन नॉन हर्मिशियन है लेकिन रियल स्पेक्ट्रम दे देता है, और वो ड्यू टू दी पैरिटी टाइम सिमेट्रिक की वजह से है।